हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। नए नए शो आने वाले हैं जिनकी खबरें लगातार सोशल मीडिया में बनी हुई हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया है, कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है कि कौन सा शो बंद होने वाला है तो कौन सा शो जो है आने वाला है, या कौन सा शो का स्लॉट चेंज होने वाला है और कौन से शो की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा की जाएगी। ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है जहाँ पर लगता है शो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो स्लॉट का ड्यूरेशन जो है कम कर दिया जाता है। रातों रात कौन से शो को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ जी टीवी पे, जहाँ पे जी टीवी पे अभी कुछ दिन पहले दो शो आपने देखे, वसुधा नाम का और दूसरा है जागृति नाम का। दोनों का ही रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, बट आजकल TRP इतना अच्छा निकल कर नहीं आ रही है। ऐसे में जागृति पे प्रेशर पड़ा हुआ है TRP का, तो मे भी अगर उसने TRP अच्छी नहीं दी तो उसकी स्लॉट चेंज हो जाएगी। जितनी उससे TRP मांगी है अब तक उसने नहीं दी है। ऐसे में अब जो है एक शो का प्रोमो आपने जो है देख ही लिया है, काफ़ी प्यारा प्रोमो है। अब बात करें दूसरे शो की जिसकी शूटिंग हो रही है कानपुर में, तो ऐसे में जो है उसमें जो मेन लीड में नज़र आने वाली है वो राजश्री ठाकुर होने वाली है। इससे पहले सलोनी उनका बहुत पॉपुलर शो गया था, सांवले रंग की थी वो, और या फिर ये कहें कि एकता कपूर के शो में काफ़ी में जो है एकता कपूर के सोनी पर भी वो नज़र आ चुकी हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि शी इज़ द बेस्ट एक्टर। अब बात करें उनके अपोजिट जो नज़र आने वाले हैं वो होंगे आपके योगेंद्र विक्रम सिंह, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो आपको गुम है किसी के प्यार में पाथी के पति का रोल करते हुए नज़र आ चुके हैं, विराट का सम्राट करोल, उनसे वहाँ पे उन्हें बहुत पॉपुलरिटी मिली। उसके बाद वो कई शो में आए लेकिन TRP आने की वजह से शो जल्दी बंद हो गए। ऐसे में अब जो है जी टीवी का चेहरा बनने वाले हैं। ऐसे में जो है और जो दूसरी एक्ट्रेस नज़र आने वाली है, यानी कि ये दो तो नज़र आएंगे ही, उनके अपोजिट जो नज़र आने वाली हैं वो होंगी आपकी प्यारी सी ईसा हरसोरा। प्यारी एक्ट्रेस हैं, क्यूट है, बट मैंने अभी इनकी ज़्यादा एक्टिंग देखी नहीं है, मे भी इनकी एक्टिंग भी आपको पसंद आएगी। शो की कहानी माँ बेटी के चारों तरफ घूमती हुई नज़र आएगी। कहते हैं ना कि जो माँ बेटी की कहानी होगी वो आपको देखने को मिलेगी, मेन माँ पे पूरा फोकस होगा और माँ की जो पहली शादी होगी उसमें वो खुश नहीं होगी तो वहाँ से डाइवोर्स दे देगी। फिर शायद उसकी दूसरी शादी होगी, उसकी ज़िंदगी में दूसरा हीरो आएगा, वो शायद जो है विक्रम जी होने वाले हैं, और ऐसे में उसकी एक बेटी होगी। तो यहाँ पे ये कहानी आपको माँ बेटी और पूर्ण विवाह का टच मिलने वाला है। ऐसे में आपको बता दें इस शो में एक एक्टर्स और है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, निमकी मुखिया देखी है आपने, तो बस वो भी है और वो निगेटिव रोल करने वाली है इस शो में। तो अब बात करते हैं ये कौन से प्रोडक्शन या निर्माता का है। LCC प्रोडक्शन का ये शो है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन है उनका। ऐसे में रियलिटी शो वो बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे कि सारेगामापा, डांस दीवाने, सुपरस्टार डांसर, इस तरह के रियलिटी शो बहुत देते हैं। अगर GTV पे ही देखा जाए तो अभी उनका जो है सारेगामापा चल रहा है, अच्छी TRP ना देने की वजह से शायद वो जल्दी बंद हो जाएगा और उसके तुरंत बाद ही इनका ये नया शो शुरू हो जाएगा। शो का नाम अभी सामने नहीं आया है, बाकी उनकी एक डिमांड है कि उन्हें बेस्ट टाइमिंग चाहिए, हर एक निर्माता चाहता है उसे बेस्ट टाइमिंग, लेकिन फिलहाल हो सकता है इनकी बात मान ली जाए क्योंकि रियलिटी शो लाते हैं। तो ऐसे में आप कोई शो की कहानी में कितनी दिलचस्पी है या जो इसमें कलाकार आ रहे हैं वो कितनी बेहतरीन TRP निकाल सकते हैं और ये कौन सी स्लॉट पर आएगा, आपका आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।